तो सभी को जय श्री राम। ओहो, पहाड़ों के बीच अगर सोने को मिल जाए तो मत पूछिए कितनी ज्यादा खूबसूरती और कितना ज्यादा वो जो कहते हैं ना कि वो फ्रेश वाली बिल्कुल हवा, ठंडी ठंडी सी, थोड़ी थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा, वैसे ही बिल्कुल महसूस मुझे हो रहा है। ये बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है और वो देखिए वो पहाड़ वगैरह घाटियाँ वगैरह है। और यहीं पर मुझे घाटियों के बीच एक छोटा सा गांव है। इस गांव का नाम क्या है, क्या नाम है गांव का, गुरम कोंडा इस गांव का नाम है। यहीं पर मेरा नाइट स्टे कल हुआ था और कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि खाने के लिए बहुत चलना पड़ रहा है। कल यार लेट हो गया था, 9 बज गया था, बहुत कुछ बंद हो गया था। मैंने कहा चलो कुछ भी मिल जाए यार, खा के सो जाओ क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था कल। कोई बात नहीं, चलते हैं फिर आगे के लिए, चलते हैं, लेते हैं प्रभु का नाम, बोलो जय श्री राम। चलो भाई बैग पैक करो। तो सुबह यार बस यही यार, इधर साइड में कल गुड़ी में रुका था तो नहाने वाने की जगह तो इधर बहुत मुश्किल से मिलेगा, कहीं रास्ते मिलेगा तो नहा लूँगा, ये डेली का फंडा है यार। और अभी तो मुझे फ्रेश होने की जगह खोजनी पड़ेगी, कोई फ्रेश होने की जगह तो बहुत सारा है यार, कहीं भी कर लो, इधर कोई दिक्कत नहीं यार। पता है श्रीलंका में क्या होगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि श्रीलंका में जैसे जैसे मेरी नाइट कटेगी वैसे वैसे मुझे जगह खोजना पड़ेगा और रात में ये जगह देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है, कैसे है। और उधर तो इतना ज़्यादा खेत भी नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है, और खेत भी होगा तो मैं कर भी नहीं पाऊँगा। देख रहे पहाड़ ही बहुत बड़ा चट्टान है वो। तो यार श्रीलंका में क्या, बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी हूँ यार। सही कहूँ तो एक्साइटेड ज़्यादा हूँ, डरा हुआ कम हूँ मैं। ये था मंदिर यहाँ का, चाय वो पी लिया। ठीक है माँ, देखिए बुला रहे हैं। हाँ ना? अभी बिना चाय बनाए चाय ओके, मतलब जिनसे मिलता हूँ उनका रिकॉर्डिंग थोड़ा बहुत करते रहता हूँ। इधर के लोगों को मैंने देखा कि बहुत हिंदी आता है इधर, ऐसा क्या है, मतलब जैसे कि और मैं रीजन में जाऊँ आंध्र के, उधर सारे हिंदी इतना नहीं बोलते हैं, ये तेलंगाना में तो हिंदी बहुत कम है। उर्दू का क्लासेस स्कूल रहते होंगे इसी वजह से वो हिंदी बोल पाते हैं। यही रायचोटी में भी यही था कि उधर मुस्लिम्स लगता 44% है तो वो उर्दू सीखते हैं, इस वजह से हिंदी जानते हैं। तो क्या यहाँ के जो मुस्लिम्स है वो तेलुगु भी सीखना नहीं पसंद करते हैं? पसंद करता है लेकिन वो लैंग्वेज तो तेलुगु रहेगा, लेकिन कोई एक हम लोगों को जैसा संस्कृत है ना, हाँ हाँ ऐसा उसको उन लोगों को उर्दू। अच्छा तो उन लोगों को उर्दू, उनको तेलुगु आता है? आता है। ओके बहुत दिनों बाद मसाला डोसा मुझे खाने को मिल रहा है क्योंकि इधर तो डोसा सर तो नहीं था। और ये होटल है छोटा सा। तो इस गांव में अभी मैं यही मंडल क्रॉस कर रहा हूँ गोरम कोंडा, इस मंडल में मुस्लिम्स अप्रॉक्स सेम ही है, इन पॉपुलेशन। मुझे एक चीज़ से बहुत ज़्यादा आहत पहुँच रहा है यार, मैं ये मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब इधर के जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी उर्दू भाषा सीख रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट से सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, उनके स्कूल्स चलते हैं, स्कूल उनके चल रहे हैं, लेकिन मैं अगर अपने उस कहूँ हिंदू या सनातनी लोगों को कहूँ कि कितने लोग या कितना स्कूल होगा संस्कृत का, एक भी लोकल लैंग्वेज जो हमारा जो कल्चर है संस्कृत लैंग्वेज जो हमारी जो भाषा थी पुरानी, कितने लोग सीख रहे हैं या कितने स्कूल है, बहुत रेयर स्कूल है। लेकिन उर्दू स्कूल जो मुस्लिम्स जो लोग हैं उर्दू स्कूल बहुत सारे हैं मिल जाएंगे आपको, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, सबसे पहले वो प्रीफर करते हैं कि वो उर्दू जाके सीखे, लेकिन हम अपने बच्चों को कभी भी नहीं कहते हैं कि हम जाके संस्कृत सीखें। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि संस्कृत का कहीं पर यूज़ नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं कि संस्कृत का कहीं पर यूज़ नहीं है, इसलिए वो संस्कृत जो धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ चला गया, इम्पोर्टेंस कम हो गई। लेकिन एक
एक मुझे एक चीज और आया मेरे को कि अगर जब तक जरूरतें नहीं होती है ना, जब तक वो लोग सीखते नहीं है। ऐसे बहुत सारे अंग्रेज भी आए, तो बहुत लोग अंग्रेज तेलुगु भी सीखे, तमिल भी सीखे, हिंदी भी सीखे, क्योंकि उनको जरूरत थी और हमें वो जरूरत बनानी पड़ेगी। अगर संस्कृत हम भाषा सीख रहे हैं तो संस्कृत भाषा को ऐसी जरूरत बनानी पड़ेगी कि लोग हमारे संस्कृत भाषा को भी प्रेफर करें सीखने के लिए। ओह यार, ये जगह देखो कितना ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा खास है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी है यार, सुंदर भी है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा था तो देखा ये किसी की फार्मिंग है। पूछो जरा अन्ना से, अन्ना फार्मिंग पेरू है ना? पेरू 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 बैगन, बैगन बैगन की खेती है यार। इधर टमाटर की खेती ऑर्गेनिक, देखिए ऑर्गेनिक रूप से बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर फार्मिंग। भाई इधर मैंने जितनी ऑर्गेनिक फार्मिंग देखी है मैंने कहीं भी नहीं देखा अब तक मैंने फिलहाल। ये देखिए, ये इधर देख रहे हैं, ये टमाटर की खेती है और ऑर्गेनिक तरीके से हुआ है। ऐसे हिमाचल में गया तो हिमाचल में इस तरीके की ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पर मैंने नहीं देखा था। अन्ना फोटो खींचने के लिए बनिए ना, इधर की सूरज की रोशनी सही है, ये सही है। इधर कम 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 अन्ना, इधर 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 ये सेल्फी ना। ओ तो पेड़ों की छांव में अन्ना लगाए हैं आइसक्रीम। अन्ना आइसक्रीम कुल्फी, ड्रिंकिंग वाटर ना, ड्रिंकिंग वाटर है, हो गया ना, ए वन ड्रिंकिंग वाटर वन आइसक्रीम है ना। ओके अब थोड़ा सा धूप आया है इधर, वैसे इधर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं, उतना ज़्यादा कड़क नहीं लग रहा। और खासकर कोयले चिड़िया, सॉरी कोयले कह रहा हूँ, कोयल चिड़िया, ये सब की आवाज़, और खासकर पीकॉक की भी आवाज़ इधर बहुत ज़्यादा मुझे सुबह सुबह सुनाई दिया। वैसे दिन दिन हो जाते हैं, शहर में पीकॉक कहाँ है यार। मैं सोचता हूँ कि कभी कभी कोई अगर जानवर विलुप्त हो, ऐसे विलुप्त तो हो ही जा रहे कभी। अच्छा डायनासोर भी लोग यकीन नहीं करते थे कि कोई अगर किसी को बताते, अगर खोजे से पहले अगर किसी को बोलते हम कि अगर ये इतने दो इतना बड़ा जानवर रहता था, दो पैर छोटे दो पैर बड़े रहते थे, तो कोई यकीन नहीं करता। लेकिन जब खोज निकाला गया, जब खोजा गया उसके बारे में, तब लोगों को यकीन हो कि हाँ ऐसा नाम का प्राणी था और इतना बड़ा प्राणी था जिसको डायनासोर नाम रखा गया। वही होता है, इसी तरीके से कृष्ण जी को लेकर कहते हैं अरे यार कृष्ण वगैरह कहाँ हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों वगैरह में सब चीज़ लिखा हुआ था वेदों में। और जब द्वारिकाधीश मिला तब लोगों को यकीन हुआ, जो नास्तिक हैं खासकर उनको यकीन हुआ कि हाँ थे वो। क्या यार, यार देखो किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करना भी बेवकूफ़ी होती है, आप उस चीज़ को मतलब जानना नहीं चाहते हैं। मेरा तो ये लगता है, मेरा मानना एक ये भी है कि लोग मूर्ख वो भी होते हैं जो किसी चीज़ को जानना नहीं चाहते, उसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं, बार बार नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं या नेग्लेक्ट करते हैं, तो भी एक बेवकूफ़ी, वो भी एक अज्ञानता होती है। ऐसे छोटे छोटे बस स्टैंड है तो थोड़ा राहत मिल जाता है, यहाँ पर कुछ देर बैठूंगा मैं फिर तो चलूँगा यार। ओके अभी अंगुला नाम है जगह का, 13 किलोमीटर है, और मदनपल्ली भी ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ था वहाँ से लगभग 10 या 11 किलोमीटर दूर है। पर मदनपल्ली यार मुश्किल हो जाएगा, आज तो नहीं पहुँच पाऊँगा मदनपल्ली में, मदनपल्ली चले जाऊँगा और शायद मदनपल्ली में लॉज उज मिले तो एक दो दिन रुकूंगा यार, मैं वहाँ पर भी रुकूंगा। क्या है ना यार कि बात आराम की नहीं है, मेरा बॉडी कुछ ऐसा है ना, मेरी बॉडी की खास बात होती है कि अगर उसे खाना मिले ना तो बॉडी मेरा एक दिन में रिगेन कर जाएगा, ऐसे मेरी बॉडी है। पर वो फूड नहीं मिल रहा है ना, जैसे कि खट्टा जो होता है ना मुझे सूट नहीं करता खट्टा, और यहाँ के ज़्यादातर जितने भी खाने में देख लूँ या फिर सांभर देख लूँ या कोई कुछ ये भी बना रहे तो उसमें इमली और खटाई बहुत ज़्यादा होता है, और खटाई आपको भी हमें भी पता है कि खटाई मतलब कि ज़्यादा चलने वालों को खटाई ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए,
और खटाई मुझे सूट भी नहीं करता यार, लेकिन मजबूरी रहती है, खाना पड़ता है यार। हाँ ये है कि मैं नारियल का चटनी यूज़ करता हूँ उसके जगह पे, लेकिन कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, नहीं यार गीला गीला खाने का मन कर, सूखा खाने का मन नहीं कर रहा, ऐसा होता है गला सूख कर। मौसम इधर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, एक आपको जुगाड़ में दिखाना चाहता हूँ, ये जुगाड़ देखे हुए हैं कुछ लोगों ने, मतलब यहाँ जिनकी खेती है उन्होंने क्या किया है कि बर्तन और साथ में पत्थर बांध दिए ताकि ये जब भी हवा से हिले तो ये बजे और यहाँ से चिड़ियाँ उड़ जाकर बैठे। तो क्या जुगाड़ है, वाह मेरे फार्मर्स, वाह वाह वाह। तो ऐसे एक आपको जुगाड़ याद होगा, एक इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था दो तीन साल पहले, कि पहले क्या होता था गुरुकुल में पढ़ाने के लिए या शिक्षा का ज़्यादा महत्व देने के लिए क्या करते थे, तो चोटी जो है ना वो चोटी को एक उससे बांध देते थे, किसी कील वगैरह से बांध देते थे, ताकि जैसे ही वो झुके, जैसे ही जो स्टूडेंट जैसे ही वो झुके उनको थोड़ा सा दर्द महसूस हो और उनकी नींद खुल जाए। तो इस तरीके का वो मतलब कि पढ़ना इस तरीके से वो पढ़ते थे जुनून से। और स्टार्टिंग से ही कहा गया यार कि देखो ज्ञान को आज से नहीं, स्टार्टिंग से ही ज्ञान को महत्व दिया गया है। हनुमान जी भी सूर्य भगवान से ज्ञान सीखते हैं, नौ विद्याएं सीखते हैं वो, और वो वहाँ पर विद्याओं में जितने भी महान लोग देखोगे तो वो विद्या में विद्या थी उनके पास, तो विद्या के माध्यम से ही वो सारे चीज़ कर पाते थे, उड़ पाते थे, चल पाते थे। लेकिन अभी तक साइंस वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, और साइंस उस चीज़ को इग्नोर करती है जहाँ तक साइंस पहुँच नहीं पाती है। साइंस इग्नोर डायनासोर को भी करती थी, साइंस इग्नोर द्वारिकाधीश को भी करती थी, कि वो कहती नहीं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने बड़े नगरी हो ऐसा डूब गया, लेकिन जब द्वारिकाधीश मिला तब उनको यकीन हुआ। जब कुरुक्षेत्र से जब कुछ मटका मिले, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ मटकाएँ मिले, तब उनको यकीन हुआ कि यहाँ पर काफ़ी पहले मतलब ऐसा 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 रहा होगा। अरे बस यार ऐसे ही श्रीलंका जा रहा हूँ, आया श्रीरामलू जानते हो, श्रीरामलू जन्म स्थानम अयोध्या जानते हो, जानते हैं हाँ, तो वो जहाँ जहाँ ट्रेस करे तो वहाँ वहाँ। अभी आपको कितने किलोमीटर चले अब तक? 5500 किलोमीटर और अभी 4000 किलोमीटर अप्रोक्स रिमेनिंग। पहले शबरीमाला, शबरीमाला रामेश्वरम, फिर श्रीलंका, तिरुपति ने, तिरुपति ने, हाँ तिरुपति, तिरुपति ये श्री राम जी नहीं गए थे ना, इसीलिए। चलो ठीक है भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अयोध्या से श्रीलंका शेयर करो सब्सक्राइब। अरे वो तो बस सेकेंडरी, ओके हाँ भाई को लाइक करो, चलो बाय। यार इन लोग बिल्कुल शॉक हो गए, तो वो रिएक्शन थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर लिया तभी मुझे पता चला। वैसे इन लोग मैंने बताया ना कि इन लोग थोड़े मुस्लिम से, तो इस वजह से इनको हिंदी आती है समझ में और तेलुगु भी आती है समझ में, तो इन लोग शॉक हो गए, इनको बताया वो पाया यार। ऐसे बहुत लोग शौक हो गए यार, क्योंकि इन लोग देखे नहीं है ना, बहुत लोग देखते नहीं कि इतनी लंबी यात्रा, पहली बार कोई लंबी यात्रा सोचते हैं, कहते हैं मुझे कि नहीं यार ऐसा तो मैंने कभी भी अभी तक कोई ऐसा यात्रा नहीं देखा अभी तक। अरे श्री राम जी की मर्जी, जिनसे वो करवा दें उनका मन, शायद ये मेरे नसीब में लिखा था, इसको मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लुक एट दिस यार, क्या मतलब सीन आ रहा है ये, खास कि मेरे पास अभी ड्रोन होता यार, ड्रोन बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। ओके हाँ माँ, पाद यात्रा माँ, श्रीरामलु, श्रीरामलु वनवासम, अयोध्या उत्तर प्रदेश, नुंदी श्रीलंका वर्को ना सेवन मंथ पाँच क्या माँ
ये नीली में टेक्शन था बाहर हाँ काले में तेरे तेल हाँ कैसे भी कभी तो इस टोल प्लाजा का क्या नाम है एग्जेम्प्टेड ओके मोदी विद्यू टोल प्लाजा मोदी विद्यू तो टोल प्लाजा ओके मोदी विद्यू टोल प्लाजा इधर साइड बहुत जगह ऐसे प्लास्टिक का पानी मिलता है यार लेकिन ये मुझे गलत भी लगता है यार बताओ प्यास बुझाने के लिए ये प्लास्टिक है रिसाइकलेबल होता है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा पड़ता कौन ऐसे बटोरेगा ये देखिए ये इधर साइड का साइड व्यू है वो देख रहे हैं ना पहाड़ छोटे छोटे घाटियाँ वो सब और कितना ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी एक तो बारिश भी होना स्टार्ट हो गया तो ग्रीनरी भी क्या ना कि वो चमक पेड़ पौधों की चमक नज़र आने लगी है साफ साफ मौसम से ही पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा ग्रीनरी का हो है यहाँ पर और बारिश भी हो जाता है तो थोड़ा मौसम और भी ज़्यादा साफ हो जाता है तो वो जो देख रहे हैं इधर लोग शायद जो मिट्टी का जो ईटा नहीं होता है ईटा भी वो शायद बनाते हैं ब्रिक्स भी बनाते हैं इधर और ज़्यादातर जो रोजी रोटी है फार्मिंग है और मतलब कि इतना ज़्यादा भी आउट एरिया नहीं है हाँ लेकिन इनर एरिया हम कह सकते हैं जहाँ से मतलब रोड वगैरह हाईवे वगैरह क्रॉस कर रहे हैं इधर इतने ज़्यादा लोगों के दुकानें भी हैं पर उतना ज़्यादा वो नहीं है मतलब कह सकते हैं कि यार चलो डेवलप आपको हर चीज़ तो नहीं मिलेगा लेकिन हर चीज़ मिलने के लिए आपको बड़े से गांव या बड़े से ब्लॉक में जाना पड़ेगा इधर साइड में पर इधर शांति बहुत है बहुत अच्छा है बहुत शांति है ग्रीनरी है तो अभी इन लोग यहाँ पर रुके एक अबूपल्ली ऐसे करके नाम है यहाँ पर तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत ये अपने फेसबुक पर लाइक किए हैं और यहाँ के क्या कह सकते हैं कि एक नेता है भी हैं और जो बुज़ुर्ग लोग थे ना वहाँ पर वो तो लोकल हैं वो नेता होता नहीं लेकिन उनको अच्छा लगा बातचीत की मेरे से बातचीत तो ज़्यादा नहीं की क्योंकि उनकी भाषा और मेरी भाषा काफ़ी ज़्यादा अंतर है तो अभी एक जो आए थे बड़े भैया वो उनको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी तो वो जो मैं बोल रहा था उनको जो बोलना चाह रहा था बुज़ुर्ग जो बोलना चाह रहा था मैं वो बोलना चाह रहे थे मतलब कि मैं जो बोलना चाह रहा था वो समझा रहे थे उनको यार सही है अच्छा लगा अब ये कहें कि 5 किलोमीटर चलो आज हो रहा है राम जी की कृपा से कभी कभी यार मत पूछ यार कभी कभी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ यार ऐसा लगता है कि लेकिन यार क्या करूँ करना पड़ेगा बस 1 किलोमीटर 2 ढाई किलोमीटर भी और ढाई नहीं यार हाँ ढाई लगभग अप्रॉक्स ढाई मान ले यार ढाई किलोमीटर भी और है इधर ये कि लोगों का हलचल है तो थोड़ा डर वगैरह इतना नहीं लग रहा मुझे ओके आ गया बस भाई बस ओ 500 200 300 मीटर की और दूरी है ये है कि श्याम जी की वजह से आज रुकने का मेरे को स्थान मिल गया है थोड़ा हेल्प मिल गया है मुझे हाँ ये है मेन बस स्टैंड यहाँ से सारे लोग यहाँ से सारे लेकिन यार रोड को और चौड़ा होना चाहिए यार ये बिल्कुल मंडल से होकर गुजर रहा है पर ये भी है कि इतना भीड़ भी नहीं है यार इंडिया में सब चीज़ ठीक ठाक के लोगों का नेचर भी बहुत अच्छा है ह्यूमैनिटी है बहुत ज़्यादा इंडिया में पर थोड़ा सा जो डिसिप्लिन है ना वो मिस कर गया ओके ना पेरू है ना शिवशंकर ना शेखर रेड्डी शेखर ओके चंद्रशेखर आजाद
जय श्री राम, 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 जय श्री राम। थैंक यू। तो अभी इन लोगों के साथ जा रहे हैं, ये अपने मतलब कार्यालय है इनका, तो कार्यालय में ये रोकेंगे मुझे। ओके, तो अन्ना लोग जा रहे हैं, खाना वाना खिला दिया इन्होंने बहुत। ठीक है ना, शुभ रात्रि, जय श्री राम अन्ना।